Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue the Loyal Pen chapter 43. तो ये चैप्टर स्टार्ट होती है जब अनिल स्टडी रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर प्रियंका आती है। अनिल आस करती है, मैंने सुना शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। प्रियंका बस अपने हेड को नीचे करते हुए यस कहती है। वो और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती बिकॉज उसे पता है वो जो भी कहेगी अनिल उसे सुनकर बहुत हर्ट हो जाएगी। अनिल अपनी बुक से ध्यान ना हटा कर कहते हैं, प्रीक ये एंगेजमेंट कब है? प्रीक आंसर देती है कि वो परसों होने वाली है। अनिल कहती है, प्रिंसेस पद्मिका कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रही है, अभी नीचे बहुत भीड़ है ना? प्रीक आंसर देती है, नहीं कोई भीड़ नहीं है, कॉज ये शादी हॉल में होने वाली है। क्या? अनिल की ध्यान हटती है, वो प्रीक की ओर देखकर कहती है, लगता है अब शावत वारित पैलेस पर हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। प्रीक कहती है, तो फिर हमें पाइन पैलेस में ही रहना होगा, क्या आपके पास कोई रास्ता है? अनिल आंसर देती है, नहीं वो लोग अभी पाइन पैलेस पर जा ही नहीं सकती बिकॉज ऑल नाइट क्वीन अलीशा आती है अनिल के साथ सोने के लिए और इन दिनों वो अनिल को अपने से दूर नहीं कर रही है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। प्रीक कहती है, तो लगता है अब टाइम आ चुकी है एक न्यू पैलेस बनाने की। अनिल स्माइल करते हुए कहते हैं, नो अभी इसके बारे में उसने सोचा नहीं है। वैसे ये प्रिंस का आइडिया है, वो चाहता है कि अनिल एक दूसरे पैलेस पर रहे। अनिल कहते हैं, वैसे ये अच्छी बात है बिकॉज वो पाइन पैलेस पर नहीं रुक सकते, बिकॉज अगर खुनकुआ बुआ चंपू पैलेस आकर रुकेगा तो उसे एवरीडे कोई डरावनी सीन देखने को मिलेगी। तो जिस दिन से मैं उस न्यू पैलेस पर चली जाऊंगी, ये पाइन पैलेस मैं तुम्हें दे दूंगी। प्रीक बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो ये नहीं ले सकती। अनिल जहाँ भी रहेगी प्रीक उसके साथ रहेगी। अनिल उसे थैंक्स कहते हैं इस टाइम पे भी उसके साथ नाच होने के लिए। अनिल अपनी फिंगर की रिंग को घुमाते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ है? प्रीक थोड़ी कंफ्यूजन में थी, योहानिस आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अनिल अगेन रिंग को घुमाते हुए कहते हैं, कम ऑन तुम जानते हो मैं इस टाइम पे किसकी नेम नहीं लेना चाहती हो। आ लेटर पेन, हाँ वो तो नीचे ही है, वो हॉल की डिज़ाइन में बिजी है। वैसे आप वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पर प्रिंसेस पद्मिका भी है एंड बहुत सारे सर्वेंट जो वहाँ काम कर रही है, तो अगर आप लेटर पेन को देखना चाहते हो तो आपको सबको फेस करनी होगी। अनिल कहती है, स्टिल अभी मैं अगर बच्ची होती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करने की कोई नीड नहीं थी, मैं अपने रूम की बेड पर एक क्लॉथ बांध लेती और उसे विंडो से नीचे फेंक देती, फिर उसकी मदद से ही मैं नीचे चली जाती। प्रीक कहती है, इसे छोड़कर एक और आइडिया है, अगर आप नीचे जाते भी हो तो आप ऐसा प्रिटेंड करना कि आप लेडी पिन को नहीं देख रहे हो। तभी अनिल कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं लेडी पिन के आसपास रहूँगी और उन्हें ना देखने के प्रिटेंड करूँगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैं उस पर्सन को इग्नोर कर ही नहीं सकती हूँ जो मेरी लाइफ है। फिर अनिल अगेन स्टडी रूम की सोफे पर बैठ जाती है और एक बुक ले लेती है। प्रीक मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, बस थोड़ी सी टी और कुछ स्नैक्स। ये कहते ही अनिल अपने बुक पर बिजी हो जाती है, मानो वो प्रीक से और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है। प्रीक भी समझ जाती है, वो नोट करती है और नीचे चली जाती है। किचन में जाने से पहले उसकी ध्यान लेडी पिन की ओर पड़ती है जिसकी फेस एकदम डार्क हो चुकी थी, उनके फेस पर जो ब्राइटनेस थी वो गायब हो चुकी थी। उसे देख कर ही लग रहे थे कि वो बहुत सैड है और बहुत रातों से नहीं सोया है। जैसे इतने दिनों से अनिल लेडी पिन को नहीं देखी थी, ठीक वैसे ही लेडी पिन ने भी अनिल को नहीं देखी थी। प्रीक ये सोच रही थी तभी लेडी पिन प्रीक की ओर देखती है
और एक नज़र देखते ही वो अपनी आंखें घुमा लेती है। प्री के देखकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो ऐसे ब्रीडिंग करती है मानो वो उनसे फाइट कर रही है। प्री थोड़ी टाइम तक लिडिपिन को देखती है एंड देन वो किचन में चली जाती है अनिल के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। कुछ टाइम बाद वो टी और स्नैक्स लेकर अनिल के लिए लेकर जा रही थी, बट जब भी वो नीचे से ऊपर जा रही थी तभी उसके ऊपर प्रिंसेस पद्मिका की ध्यान आती है। प्रीक जल्दी से रुक जाती है और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए यस कहती है। ये ब्रेकफास्ट प्रिंसेस अनिल के लिए है राइट, प्रिंसेस पद्मिका आस करती है। प्रीक यस कहती है। प्रिंसेस पद्मिका कहती है बट अभी तो बहुत टाइम हो चुकी है, ये ब्रेकफास्ट करने की टाइम नहीं है, ये लंच करने की टाइम है, उन्हें लंच करना चाहिए। प्रीक कहती है नो योर हाइनेस, वो इन दिनों ज़्यादा नहीं खाती है और वो बस ये ब्रेकफास्ट ही मांगी थी, बस चाय और थोड़ी स्नैक्स। ये सुनकर प्रिंसेस पद्मिका भी थोड़ी टेंस में आ जाती है कि अनिल इन दिनों को ज़्यादा नहीं खा रही है, पर ये बातें उन्हें छोड़कर वहाँ बैठी लेडीपिन के दिल पर भी हिट होती है। प्रिक अगर प्रिंसेस अनिल इसके अलावा और कुछ खाना चाहती है तो मुझे बताना, मैं उनके लिए बना दूँगी। प्रिक जल्दी से यस कहती है। उसके दिल में उन दोनों को लेकर बहुत गुस्सा थी कॉज लेडीपिन और प्रिंसेस पद्मिका के लिए ही आज उसकी ऑनर प्रिंसेस अनिल की ये हालत है। ओके योर हाइनेस, प्रीक आंसर देती है और एक बार टर्न करके लेडीपिन की ओर देखती है। फिर वो ऊपर चली जाती है अनिल को अपनी ब्रेकफास्ट देने के लिए। लेडीपिन बस प्रीक की ओर देख रहे थे, वो गायब हो जाती है ऊपर जाते ही। नाउ लेडीपिन अनिल की कुछ भी चीज़ें देखकर उसे ऐसा फील होती है मानो वो अनिल को ही देख रही है। वो सोचती है अनिल अब क्या कर रही है, शायद वो स्टडी रूम पर बैठे कोई बुक पढ़ रही है या फिर विंडो की ओर देख रही है और बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रही है और साथ में कोई ड्राइंग कर रही है। क्या वो लेडीपिन की ड्राइंग कर रही है? नहीं, शायद अब से वो और कभी भी लेडीपिन की ड्राइंग नहीं करेगी कॉज अनिल अब उसे नफरत करती है। खुनपिन को कोई बुला रहे थे। लेडीपिन उसकी ओर ध्यान देती है। ये थी प्रिंसेस पद्मिका, आप ऐसे बैठकर क्या सोच रहे हो, बहुत काम बाकी है। सॉरी आंटी, मैं ध्यान देती हूँ। लेडीपिन अगेन अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी पैलेस के बाहर प्रिंस अनन की कार की साउंड आती है। कुछ टाइम बाद प्रिंस अनन पैलेस पर एंट्री करता है एंड साथ साथ उनकी फियांसे और उनकी बड़ी सिस्टर। तो कुन ओम, प्रिंस अनन और उनकी फियांसे तीनों आकर प्रिंसेस पद्मिका को रेस्पेक्टफुली अपनी हेड को नीचे करती है। प्रिंस अनन स्माइल करते हुए कहता है कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। वो अपनी फियांसे के साथ चला जाता है बट फियांसे की बड़ी सिस्टर खुन ओम वहाँ पर रुक जाती है और वो किसी को ढूंढने लगती है। लेडीपिन उसकी ओर देखकर कहती है आप किसे ढूंढ रहे हो? खुन ओम कहती है खुनपिन तुम्हें पता है अनिल कहाँ है? लेडीपिन कहती है हाँ वो अपने बेडरूम में है। एंड तभी अनफॉर्चुनेटली प्रीक अनिल को ब्रेकफास्ट देकर नीचे आ रही थी। ओ प्रीक, प्रिंस अनिल अपने बेडरूम में है ना, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके माय लेडी, प्रीक कहते हैं और खुद रूम को लेकर ऊपर जा रही थी बट वो एक बार लेडीपिन की ओर देख लेती है एंड उसने जो एक्सपेक्ट की थी वही हो रही थी। लेडीपिन की आंखें एकदम सैड हो जाती है। वह अनिल लेडीपिन से थोड़ी गुस्सा थी और वो लेडीपिन से मिलना नहीं चाहती थी बट यहाँ लेडीपिन की हालत ऑपोजिट है, वो अनिल से मिलने के लिए बहुत बेताब है। लेडीपिन सोच रही थी अनिल एक सेकंड के लिए भी नीचे तो आ ही सकती है ना, अब तो उसे ऐसा लग रही थी मानो एक एक मिनट एक एक साल लग रही थी। तभी प्रीक
लेडीपिन की ओर देखकर एक अलग टोन में कहते हैं, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको प्रिंसेस अनिल की बेडरूम में लेकर जाए। खुद ओम ये सुनकर बहुत हैप्पी होती है। अच्छा, क्या सच में? खुद ओम बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो प्रीक के साथ ऊपर चली जाती है, बट लेडीपिन को यहाँ गुस्सा आ जाती है। अनिल ये कैसे कर सकती है, अपने बेडरूम में एक गेस्ट को इनवाइट कर रही है? क्या अपने बेडरूम में किसी गेस्ट को इनवाइट करना सही है? अनिल ने तो कहा था कि खुद ओम को लेकर उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो क्या वो सब कुछ झूठ बोल रही थी? लेडीपिन इतनी जेलस थी कि वो हाथ में एक फ्लावर को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है, जिससे वो फ्लावर एकदम मुरझा जाती है। लेडीपिन की हालत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो रही थी। ना तो वो कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे। इसी बीच वो बस एक ही दिन रुकी थी, जब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस दिन वो रोते रोते ही सो गई थी। कोई भी अगर बाहर से देखेगी तो उसे चेंजेस नोटिस नहीं आएंगी, बट अंदर ही अंदर लेडीपिन एकदम टूट रही थी। वो एक डेड बॉडी की तरह थी, बस उनमें सांस चल रहे थे। एंड सबसे बुरी बात यह है कि वो अनिल के सामने मर नहीं पाई थी जैसा वो सोच रही थी। इस टाइम अनिल उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। लेडीपिन ने चूज़ किया है कि अनिल उसकी रॉयल स्टेटस ना छोड़े, जिससे वो खुद को ऐसे शादी करेगी। अपनी पूरी लाइफ में अनिल इतने गुस्सा कभी नहीं हुई थी, और ये डिसीजन लेडीपिन के लिए भी मरने जैसा ही कुछ है। लेडीपिन ने उसे इतनी गुस्सा दिलाई है, तो लेडीपिन की पनिशमेंट ये थी कि वो अनिल को नहीं देख सकती। लेडीपिन पूरा डे उसके लिए वेट करती, पर अनिल एक सेकंड के लिए भी उसके सामने नहीं आती थी। अनिल पूरी टाइम कॉलेज में बिताती है, और बहुत रात होने के बाद ही वो पैलेस वापस आती थी। लेडीपिन जब उससे मिलने के लिए स्टडी रूम में आती थी, तो अनिल अपने बेडरूम में चली जाती थी। अनिल की ये पनिशमेंट लेडीपिन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी। इस चीज़ से लेडीपिन एकदम अंदर से टूट चुकी थी। इस टाइम लेडीपिन की केयर कोई नहीं कर रही थी। लेडीपिन बस एक बार अनिल से मिलना चाहती थी। उसे पता है कि अनिल से वो नहीं मिल पाएगी, पर वो अपने इस होप को नहीं छोड़ी थी। वो जानती है कि उसकी कोई हक नहीं बनती है कि वो अनिल से जाके मिले, कॉज वो अनिल की रिक्वेस्ट को तोड़ा है। प्रिंसेस अनिल उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहते थे, इवन अपनी रॉयल स्टेटस को भी, बट लेडीपिन ने उसे मना कर दिया। उस दिन स्टडी रूम में सबके सामने अनिल अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट की थी, और सबको ये बोल रही थी कि वो लेडीपिन को चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। बट लेडीपिन वो पीछे हट गई। मे बी रीज़न ये भी थी कि इसे ऑल टाइम यही सिखाई जाती है कि वो कौन है और प्रिंसेस अनिल कौन है। हम अगर ज़मीन पे हैं तो हमें आसमान छूने की कोई हक नहीं है, इसीलिए वो अपने दिल के नहीं अपने दिमाग की बात सुनती है। बट अनिल अपने दिल की बात सुने थे, और उसके लिए वो अपनी रॉयल स्टेटस को भी छोड़ने पर राजी थी। बट लेडीपिन उसे मना कर दी थी और सेकंड ऑप्शन को ही वो चूज़ की थी। एंड ऑफ कोर्स अनिल को छोड़कर खुद को उसे शादी करना, ये ऐसा थी मानो वो अपनी लाइफ में हेल में जीने के लिए रेडी हो रही है। ऑल राइट क्यूटीज, तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होती है। सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय क्यूटीज, गुड नाइट।